हर हर महादेव। आंध्र प्रदेश से अमन शास्त्री हैं, उनका एक प्रश्न है समुद्र स्नान से संबंधित कि समुद्र में कब कब स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा हमने सुना है कि नित्य प्रति रोज समुद्र में नहीं नहाना चाहिए, समुद्र का स्पर्श भी करना मना है, क्या ये बात ये पूछ रहा है। जैसे कभी मन करता है लोग घूमने जाते हैं तो समुद्र में स्नान करने लगते हैं, तो इस तरीके से समुद्र में स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिएगा अमन शास्त्री जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इस विषय पर हमने एक लेख लिखा था, बहुत अच्छा बड़ा सा शास्त्रीय लेख प्रमाणों को लिखते हुए, तो उस आधार पर मैं आपको बतलाता हूँ कि समुद्र में सामान्य रूप से नित्य स्नान वर्जित है। कुछ ही दिन हैं जिन दिनों में आप समुद्र के जल का स्पर्श कर सकते हैं, समुद्र में स्नान कर सकते हैं, अन्यथा जो है निषेध है। देखें, स्कंद पुराण के वचन को पृथ्वी चंद्रोदय नाम के ग्रंथ में जो है लिखा है कि पुनाति पर्वण स्नानात् तर्पणै सरिताम् पतिः कदाचिदपि नैवात्र स्नानम् कुर्यात् द पर्वणि। पर्व तिथियों में ही समुद्र में स्नान करना चाहिए। पर्व तिथि क्या होती है? चतुर्दश्यष्टमी चैव, अमावास्या च पूर्णिमा और पर्वाणि नेतानि राजेंद्र रवि संक्रांति रेवच, रवि संक्रांति रेवच। तो चतुर्दशी दोनों पक्षों की अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति। ये संक्रांति भी प्रति महीने में होती है, हर महीने में संक्रांति होती है। प्रायः लोग मकर संक्रांति को ही जानते हैं, मकर कर्क कुंभ मीन सब की संक्रांति होते हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि पर संक्रमण करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं, और ये प्रति महीने में हर मास में होता है। तो ये इनको पर्व कहा गया है। तो एक महीने में कितने पर्व होते हैं? देखिए, दोनों जो है अष्टमी, दोनों चतुर्दशी चार, और अमावस्या पूर्णिमा दो जो हो गए तो छः, और एक संक्रांति सूर्य संक्रांति लगभग 12 से 16 तारीख के बीच में पड़ती है, प्रायः 14-15 तारीख में पड़ती है। तो ये जो है इतने 7 दिन ही आप स्नान कर सकते हैं समुद्र में। कह रहे हैं कि पुनाति पर्वण स्नानार्थ, पर्वण में स्नान करने से ही वो व्यक्ति पवित्र होता है ना। कदाचिदपि नैव अत्र स्नानम कुर्यात् अपर्वणि, अपर्वणि अत्र कदाचित अपि स्नानम न कुर्यात्। इन पर्व तिथियों के अलावा कभी भी समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं। समुद्र का सदा स्पर्श करना भी मना है। जैसे अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल वृक्ष को सदा छूना, उसका स्पर्श करना शास्त्रों में मना बतलाया है, दरिद्रता आदि का कारण बतलाया है। पीपल को केवल सप्ताह में एक दिन शनिवार के दिन आप स्पर्श कर सकते हैं। इसी तरीके से समुद्र को पर्व काल में स्पर्श कर सकते हैं। महाभारत का वचन निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि अश्वत्थ सागरों से व्यऊ न स्पृष्टऊ न स्पृष्टऊ कदाचन, ठीक है। अश्वत्थम मंदवारे तु सागरम पर्वण स्पृशे, अश्वत्थ सागरऊ सेव्यऊ, अश्वत्थ और सागर की यानी पीपल की और समुद्र की पूजा तो करनी चाहिए, रोज पूजा कर सकते हैं, इसकी सेवा कर सकते हैं, परंतु न स्पृष्टव्यऊ ये छूने योग्य नहीं है, न स्पृष्टव्यऊ कदाचन कभी भी इनको छूना नहीं है। अश्वत्थम मंदवारे तु, अश्वत्थ को शनिवार में छू सकते हैं, सागरम पर्वण स्पृशे और सागर को पर्व में स्पर्श किया जा सकता है ना। और आश्वलायन महर्षि ने ये जो है
कुछ वार भी बतलाए, इन वार में तो बिल्कुल भी समुद्र का स्पर्श नहीं करे। समुद्रे पर्वत स्नायात अमा अमायाम च विशेषता, समुद्र को, समुद्र का सेवन, समुद्र का स्पर्श, स्नान पर्वत तिथियों में होना चाहिए। विशेष रूप से अमावस्या का महत्व है, अमावस्या में समुद्र में स्नान करना चाहिए। क्या होता है, पापैर विमुच्यते सर्वैर अमायाम स्नानमाचरन, अमावस्या में स्नान करता हुआ मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। परंतु भृगौ भौम दिने स्नानम नित्यमेव विवर्जये, मंगलवार के दिन और भृगुवार यानी शुक्रवार के दिन तो समुद्र में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं। ध्यान देना इन बातों पर, लोग जाते हैं और घूमने के लिए और वही समुद्र में स्नान कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। देखिए अब इनके कुछ प्रतिप्रसव समझ लीजिए, ये बात धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में भी लिखा है और वहीं से जो है संग्रह करके जो है ग्रंथों से उसमें निबंध ग्रंथों में लिखा जाता है। प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव होता है निषेध का निषेध। जैसे कह दिया जाए ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं जानते, दो बार निषेध हो गया, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं जानते, इसका मतलब हम ये बात जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भोजन करके नहीं आया हूं, इसका मतलब वो भोजन करके आया। तो निषेध का निषेध तो वो विधि हो जाती है। तो जैसे अभी निषेध किया था कि समुद्र को पर्व तिथियों में ही स्पर्श और स्नान करने का शास्त्र आज्ञा देते हैं और अन्य तिथियों में स्पर्श और स्नान करने का वर्जन करना, परिवर्जित करना नहीं करना चाहिए, खास रूप से शुक्रवार और मंगलवार में नहीं करना चाहिए। परंतु अब कह रहे हैं कुछ स्थल और कुछ समय ऐसे हैं जिन समय में जिस जगह पर आप जो है सदा समुद्र का सेवन, स्नान, स्पर्श आदि कर सकते हैं, इसका ध्यान दीजिए और इसको सुनिएगा। ये भी प्रवास खंड स्कंद पुराण का वचन है कि पर्व काले च संप्राप्ते नदी नाम च समागमे, एक तो पर्व तिथियों पर तो निषेध ही है कहीं भी समुद्र में स्नान करो, और दूसरा नदीनांच समागमे, जहाँ किसी नदी का संयोग हुआ है, कोई नदी आकर के समुद्र में मिली है तो उस नदी और सागर के संगम में आप कभी भी स्नान कर सकते हैं। सेतु बंदे तथा सिंधु तीर्थे स्वन्येशु संयुत, और सेतु बंद रामेश्वरम पर, सेतु बंधु जहाँ जो है सेतु बंदे रामेश्वरम वहाँ जो है समुद्र में कभी भी स्नान किया जा सकता है, इस निषेध का वहाँ जो है प्रभाव नहीं रहता है। और सिंधु तीर्थे स्वन्येषु संयुते, और समुद्र में जो जो तीर्थ बतलाए गए हैं जहाँ जहाँ ये जो है तीर्थ हैं, स्थल हैं, तो वहाँ भी आप जो है स्नान कर सकते कभी भी। स एव मादिषु सर्वेषु मेद्योन्येतु स्वकर्मणि, न काल नियमा सेतौ समुद्र स्नान कर्मणि। सेतुबंध रामेश्वरम में वहाँ जो है भगवान शंकर की कृपा से कभी भी स्नान किया जा सकता है, वहाँ ये नियम लागू नहीं है, न काल नियम सेतु, सेतु पर, सेतुबंध पर वहाँ काल नियम नहीं है, कभी भी स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार समुद्र का ये जो है सेवन, समुद्र का स्नान जो है नियत तिथियों पर यानी पर्व तिथियों पर ही होना चाहिए। जैसे बहुत सी समुद्र के किनारे वो तो बहुत सुंदर जो दृश्य होता है, तो वहाँ जैसे ये बम्बई में, कलकत्ते में और मद्रास में भी और कहाँ कहाँ बहुत जगह जो है समुद्र हैं, तो वहाँ ये जो महानगर हैं, सिटी हैं या ये जो बाजार हैं, तो वहाँ के लोग जो उसमें जा करके और वो सब जो है कुकृत्य भी करते हैं और स्नान करते हैं, चाहे जब जैसा व्यवहार करते हैं, ये सब निषिद्ध है, इसका दुष्परिणाम वह भोगना पड़ेगा। समुद्र का सेवन हर समय नहीं करना है, स्पर्श भी नहीं करना है, प्रणाम आप कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, इसलिए इन नियमों का विशेष रूप से समुद्र तटवासी या समुद्र प्रवासी, समुद्र में समुद्र की यात्रा करने वाले लोग इनका ध्यान अवश्य रखें।
हर हर महादेव।